कवरराम की 78वीं वर्षी का आयोजन कल से संत कवरराम स्कूल की प्रांगण में होगा कार्यक्रम। कई जाने माने कलाकार देंगे नाट्य प्रस्तुति। अमर शहीद संत कवरराम मंडल द्वारा हर साल की भांति इस साल भी संत कवरराम जी की 78वीं वर्षी का आयोजन किया जा रहा है। कल से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन संत कवरराम स्कूल में होने जा रहा है, जिसमें संत कवरराम जी की जीवनी बताने के लिए कई अच्छे नाट्य कलाकार प्रस्तुति देने आ रहे हैं। आज अमर शहीद संत कवरराम मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी। अमर शहीद संत कवरराम साहब की जय। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दिनांक 28, 29, 30 अक्टूबर को संत कवरराम साहब का महान वर्षी उत्सव प्रारंभ होगा, जो प्रतिवर्ष की बात ही इस बार भी संत कवरराम स्कूल के प्रांगण में रखा गया है, जिसमें अजमेर शहर के कलाकार व बाहर से कलाकार भाग लेंगे, जिसमें सर्वप्रथम 28 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है संत कवरराम स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। तत्पश्चात संत कवरराम की जीवन कथा पर एक लाइट एंड म्यूजिक द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। दूसरे दिन 29 तारीख को जो है आरती, पहले आरती होगी 7:30 बजे, उसके पश्चात जो है धीरज कुमार एंड पार्टी कटनी से वो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और लक्ष्मीचंद जी एंड पार्टी कोटा वालों के द्वारा प्रस्तुत दी जाएगी। तीसरे दिन 30 तारीख को भी इसी तरह से कार्यक्रम होगा, आरती के पश्चात कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, और उसमें बॉम्बे से आए हुए अनिल जयसिंघानी जी जो है अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वह 31 तारीख सुबह को 7 बजे पलाव डालकर वर्षी का समापन किया जाएगा। वर्षी का शुभारंभ जो है संत आदमदास जी द्वारा झंडारोहण करके किया जाएगा, और उसके साथ ही जो है आरती के पश्चात सारे कार्यक्रम होंगे। इसमें कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार कटनी से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, और जो संत कवरराम की जीवनी का मंचन जो है वो वैसे तो ओरिजिनल लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक अभी इस समय अजमेर में रह रहे हैं, जिन्होंने एक संत कवरराम की जीवनी पर एक बहुत अच्छा लाइट एंड म्यूजिक द्वारा कार्यक्रम तैयार किया है। साथ ही यूआईटी के पूर्व सदर नरेंद्र साहनी ने संत कवरराम जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए किस तरह से उन्होंने समाज के हित में कार्य किए वो बताया। संत कवरराम साहेब की जय। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कवरराम साहेब का वर्षीय उत्सव संत कवरराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिनांक 28 से 30 तारीख तक मनाया जाएगा। सर्वप्रथम जो दिनांक 28 तारीख को संत कवरराम स्कूल के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद संत कवरराम की जीवनी पर एक नाटक का मंचन है, जो अजय प्रताप सिंह एंड पार्टी द्वारा लाइट एंड म्यूजिक साउंड के द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या मैं तो कहूँगा दुनिया में पहली बार हो रहा है, किसी एक गैर सिंधी ने, नॉन सिंधी ने उस मंचन को तैयार किया है, जिसके अंदर करीब करीब उनकी 40 जनों की टीम है, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे तैयार किया है जैसे कि संत कवरराम का जो बचपन से लेकर और आखिरी तक पूरी हिस्ट्री उन्होंने दी है। संत कवरराम साहब का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनके माँ बाप को साईं खोताराम साहब ने आशीर्वाद दिया, फिर साईं सतराम दास साहब ने कैसे संत कवरराम साहब के को अपनाया और उनको अपना शिष्य बनाया। संत कवरराम साहब बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब वो बालावस्था में थे तो परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वो जो है चने और मटर उनकी माँ उनको बना के देती थी, बेचते थे। जब वो सिर्फ वहीं पर ही जाते थे जहाँ आश्रम और संत महात्माओं की टोलियाँ होती थी, और उसी वजह से एक दिन जब संत का साईं सतराम दास का कार्यक्रम चल रहा था सत्संग का, तो वहाँ संत कवरराम साहब पहुँचे और उन्होंने जब उनकी आवाज़ सुनी तो संत कवरराम साहब ने भी अपनी आवाज़ में जो राग आलापा उससे मोहित होकर साईं सतराम दास साहब ने उनको अपना शिष्य बनाया। वो जो शिष्य बने और वो सेवा कार्य में लग गए, अपनी गुरु की सेवा, समाज की सेवा, संतों महात्माओं की सेवा। संत कवरराम साहब सिर्फ सिंधी समाज के संत नहीं थे, वो सारी सिंधड़ी के संतों के सरताज थे, इसलिए उनको सरताज की पदवी मिली थी, संतों का सरताज, क्योंकि वो उनके साथ हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए थे और वो सबकी सेवा करते थे। गरीबों नाथों की सेवा करना, लूले लंगड़ों की सेवा करना, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना, उन्होंने हर तरह से अपना जीवन जो है सिर्फ समाज के लिए, हर समाज के लिए अपना निछावर कर दिया। आज जो वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि हर शहर में संत कवरराम के नाम से धर्मशालाएँ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलोनियाँ हैं, अस्पतालें हैं, और
बहुत लोग उनके नाम से सेवा करते हैं, यही उनका आशीर्वाद है। जो भी उनके शरण में आया है उन्होंने हमेशा पार लगाया है।